वेलकम एवरेज के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। 15 अक्टूबर 2017 को आईबी का एग्जाम संपन्न हुआ। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भेजे गए, उसके क्वांट के 25 क्वेश्चंस में से लगभग 20 एवरेज से थे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि यदि इन सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया जाए तो एवरेज चैप्टर पर आपका कमांड ना हो जाए। यही सोचकर मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का निर्णय लिया। चाहे कोई भी एग्जाम आप दें, IBPS PO दें, क्लर्क दें, RRB PO दें, क्लर्क दें, मेन दें, प्री दें, SBI दें, कुछ भी दे दें, एवरेज के पूरे कंसेप्ट की ये याद दिला देगा, याद तरोताजा कर देगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज प्राइस ऑफ 80 मोबाइल फोन्स इज ₹30,000। If the highest and the lowest price mobile phones are sold out, then the average price of remaining 78 mobiles is ₹29,500. The cost of the highest mobile is ₹80,000. What is the cost of lowest price mobile in rupees? ये बताना है। देखिए, देख रहे हैं? पहले मैं बिना पेन पेपर के ही बात करता हूं, फिर लिख के भी बता दूंगा। एवरेज मतलब होता क्या है? इफ ऑल द आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, व्हाट ईच विल गेट, दैट ईच इक्वल क्वांटिटी इज सेट टू बी द एवरेज। यदि सारे मानों को बराबर बराबर बांट दिया जाए तो हर एक मान कितना हो जाएगा, उस हर एक बराबर मान को ही औसत कहते हैं। 80 मोबाइल फोन्स हैं, ध्यान से देखिए आंसर हो जाएगा। 80, 1, 2, 3, 4, 5, 80 मोबाइल फोन्स हैं, इनका एवरेज प्राइस 30,000 रुपीज है। 78 यहां है, 2 यहां है। जब सबको बराबर बांटा तो 30 हो गया। 78 मोबाइल फोन का प्राइस 29,500 है, तो बाकी 2 का 30 से ऊपर है। जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा। ये 30 से नीचे 29.5, ये गड्ढा हाफ हाफ थाउजेंड का है ना। 78 हाफ थाउजेंड मतलब 39,000, 39,000 का गड्ढा, तो 39,000 का टोटल डंडा दोनों का मिला के। पर एवरेज तो 30 है, यानी 60,000 प्लस 39,000, 99,000। उन दोनों का सम है 99,000। वो दोनों कौन है? एक हाईएस्ट और एक दूसरा जो लोएस्ट। दोनों का सम है 99,000। हाईएस्ट का है 80,000, तो लोएस्ट हुआ 19,000। आंसर बोलिए, समझ में आया कि नहीं? 19,000 आंसर। मैं बताता हूं ये कैसे हुआ, देखिए करके दिखाता हूं। सॉल्यूशन, क्योंकि मेरे दिमाग में अब वो स्टूडेंट्स हैं जिनको जिनका मैथ बहुत वीक है, उन्हें बिना पेन पेपर के भी बताऊंगा, लिख के भी बताऊंगा, समझा के भी बताऊंगा। इसलिए देखिए, देखिए 80 मोबाइल फोन्स, इसका एवरेज है 30,000। 78, देखिए 78 मोबाइल फोन्स का ये 29,500 है। इसका मतलब ये 500 करके हुआ ना, 500 करके ये कितना हुआ? 78। ये हुआ गड्ढा, गड्ढा हुआ 39,000 का।
तो ये दो डंडे भी होंगे, दो डंडे भी होंगे, टोटल वैल्यू यहां पर 39,000 होगा होगा होगा। अंदर में ये दोनों का सम, और ये तो 30 है, तो सम कितना हुआ 30, 30, 60 and 39, यानी 60 plus 39 इज इक्वल टू 99,000। और इसमें हाईएस्ट प्राइस जो मोबाइल है वो 80,000 है, इसको लेस कर दीजिए तो बचा 19,000 जो कि लोएस्ट का है। दिस इज द आंसर। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये समझ गए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आइए सुनिए। प्रणव वेंट टू द बैंक एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाइल रिटर्निंग फॉर हिज होम ही कवर्ड द हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। बट सडनली ही रियलाइज दैट ही वॉज गेटिंग लेट, so he increased the speed and reached the home by covering the rest half of the distance at the speed of 30 km per hour. What is the average speed of Pranav in the whole length of journey? Lamba lag raha hai question, samajhne mein dikkat ho rahi hai, main detail bhi likh ke bataunga, lekin main chahta hoon ki pehle thoda short mein likhu. ये क्या है 60 किलोमीटर पर आवर का पहले का जर्नी है, और वापसी जर्नी जो है वो क्या है, दो पार्ट में है, 10 किलोमीटर पर आवर और दूसरा 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग तुरंत एवरेज स्पीड बोले 2xy/x+y, यानी 40। 40 कहां से आया, 10 plus 30। 40 मतलब मुझे ऐसे दिखता है, 40 का मतलब मुझे दिखता है 10, 20 और 2। 200 को मैंने 40 से 5 टाइम्स में काटा, यानी कि 15। और अगेन एवरेज स्पीड 2xy/x+y, 60 एंड दिस, कहां से आया 15 plus 60 75। 75 किसको बोलते हैं, 15 5 को बोलते हैं, 24 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट इज द आंसर। ये आपका रफ वर्क था। अब मैं बताता हूं ये कैसे हुआ, दिखाता हूं आपको। तो एवरेज स्पीड जो होता है ये तो पहले आप समझ लीजिए, 2xy/x+y होता है किलोमीटर पर आवर, यदि आपका या फिर जो भी है रहने दीजिए, या फिर जो भी यूनिट है। अब आप सुनिए, ये घर से ऑफिस ये स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ये होम है, ये ऑफिस है। ये रिटर्निंग जर्नी में पहले 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक हाफ डिस्टेंस, और उसके बाद 30 किलोमीटर पर आवर है। हमने कहा 10 से जाना, 30 से जाना, व्हाट इज एवरेज स्पीड, हमने इधर से निकाला एवरेज स्पीड, तो हमने निकाला ये वाला 15 किलोमीटर पर आवर। 10 से जाना, 30 से जाना, ओवरऑल एवरेज स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से जाना। अब क्वेश्चन हो गया 60 से जाना, 15 से आना, व्हाट इज एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर। आंसर जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं? दिस इज द आंसर। जल्दी बोलिए, ये समझ में आया कि नहीं? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ मिस्टर शर्मा फॉर जनवरी टू जून इज 4,200 रुपीज एंड ही स्पेंट रुपीज 1,200 इन जनवरी एंड रुपीज 1,500 इन जुलाई. द एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी टू जुलाई इज देखिए कुछ ऐसा समझिए, जनवरी से जुलाई, जनवरी टू जुलाई सिक्स मंथ्स का एवरेज है 4,200. ओके, जनवरी टू जून, जनवरी टू जून जो है रुपीज 4,200 है. ओके, जनवरी टू जून, जुलाई ने आकर जनवरी को रिप्लेस कर दिया तो फरवरी से जुलाई तक हो गया. जुलाई ने कहा जनवरी से कि आप तो 1200 हैं, आप खिसक जाइए, मैं 1500 हूं, मैं आ जाता हूं. 1200 मेरा ले लेने से तो एवरेज वही रह जाता है 300 जो मेरे पास ज्यादा है, सिक्स मंथ में बांट दीजिए, इच मंथ विल गेट 50 रुपीज, 4,200, 50 रुपीज इज द आंसर, 4,250 रुपीज इज द आंसर. नहीं समझे, देखिए ये क्या है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है कि ये एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये जनवरी, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये है. इसका जो एवरेज है, एवरेज है वो ये है, कितना है 4,200 रुपीज. अब ये जनवरी 1200 है, अगर इसकी जगह पर इसके ये यदि बाहर चला जाए, इसको बोलता हूं ऐसे, ये यदि बाहर चला जाए और इसके जगह पर जुलाई आ जाए जो 1500 का है, तो ये बाहर चला जाए और इसके जगह पर जुलाई आ जाए ऐसे लिखता हूं, जुलाई आ जाए, इसके जगह पर जुलाई आ जाए, तो हम लोग क्या देखते हैं, ये 1500 है तो क्या 300 ज्यादा ना मिलेगा और ये सब में बटेगा तो न्यू एवरेज 300 बाय 6 इज इक्वल टू 50 होगा कि नहीं, और पहले से 4,200 था तो ये 4,250 होगा कि नहीं. दिस इज द आंसर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं. देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सुरेश स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम पी टू क्यू बाय हिज बाइक एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड देन द सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड ऑन हिज फुट एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम क्यू टू आर, पी टू क्यू देन क्यू टू आर, P to Q same distance, उतना ही Q to R same distance. Then he returned from R to P via Q at the speed of 24 km per hour. What is the average speed of the whole trip? पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब ऐसे है, इसका मैप समझ लीजिए फिर मैं बताता हूं. देखिए ये P to Q, ये P है, ये Q है, तो वो P to Q जाता है एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. देन द सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल ऑन हिज फुट एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम Q to R, यानी Q to R सेम डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस ये उतना ही ये, तो वो क्या है 10 किलोमीटर पर आवर. Then he returned from R to P via Q at the speed of
एट द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल ट्रिप? आप समझ रहे हैं कि ये दो बार उसी तरह का क्वेश्चन है। एक बार एवरेज स्पीड सेम डिस्टेंस है तो क्या होगा, 2xy by, ये समझ रहे हैं, 2xy by x plus y, ये एवरेज स्पीड होता है, आपको पता है। तुरंत आप बोले 2 इंटू 40 इंटू 10 बाय 40 प्लस 10 यानी 50, 40 प्लस 10, ये कहां से आया 40 प्लस 10, 50 को कैसे बोले, 50 को ऐसे बोले, ऐसे बोले, ऐसे बोले, ये दो जीरो मतलब 100, इसको 2 टाइम्स काट दिया, ये कितना हुआ 4 इंटू 4 16 किलोमीटर पर आवर। यानी आप बोल सकते हैं कि ये 40 और 10 वाला जो है उसको रिप्लेस करके कि भाई एवरेज स्पीड तो 16 किलोमीटर पर आवर था P से R की ओर, और R से P की ओर 24 किलोमीटर पर आवर है, अगेन एवरेज स्पीड आप बोलेंगे तो क्या होगा, वही 2 इंटू 16 से जाना, 24 से आना, और टोटल सम, सम क्या हुआ 40, 40 कहां से आया 16 प्लस 24 40, 40 किसको बोलते हैं, 8 से 2 टाइम्स काटिए, इसको 5 कीजिए, बल्कि 5 मत कीजिए, आप इसको 4 से सिर्फ कैंसिल कीजिए, 4 से 10 रहने दीजिए, 4 से 4 टाइम्स कीजिए 14, ये देखिए ये क्या है 24 और ये क्या है, इसको 8 बना दीजिए, 8 से 24 को करना है, 8 से 25 को करने से क्या होता है 200 और उससे 8 लेस 192 होता है, और ये 10 है इसलिए ऐसे इतना किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर हुआ 19.2 किलोमीटर पर आवर, यानी डी इज द आंसर। देखिए बोलिए ये समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन था, इसके बाद आ जाइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए। रमेश वॉक्ड 6 किलोमीटर टू रीच द स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, देन ही boarded a train whose average speed was 60 km per hour and thus he reached his destination. In this way he took a total time of 3 hours. If the average speed of the entire journey was 32 km per hour then the average speed of walking is. मैं बढ़िया से मैप बना के आपको बताता हूँ। ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले पैदल जाते हैं, वॉक करके 6 किलोमीटर जाते हैं, 6 किलोमीटर जाते हैं, 6 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, ये वॉकिंग करके जाते हैं, ये वॉकिंग करके जाते हैं, स्टेशन पहुंचे और वहां से फिर ट्रेन पकड़ा और ट्रेन से उस जगह पहुंच गए जहां पहुंचना था। नाम तो दिया नहीं है तो लिख देते हैं ए बी और सी, और इसका स्पीड क्या था, तो इसका स्पीड था ट्रेन वाला 60 किलोमीटर पर आवर, ये वाला ये स्पीड था, हो गया पहुंच गए, और फिर जब वापस आए देखिए, एंड दस ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, इन दिस वे ही टुक ए टोटल टाइम ऑफ 3 आवर्स, टोटल टाइम 3 घंटे का लगा, यानी देखिए ये टोटल टाइम जो है यहां लिखते हैं 3 आवर्स लगे, ये टोटल टाइम 3 आवर्स लगे, और जो एवरेज स्पीड रहा वो 32 किलोमीटर पर आवर का रहा। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ढांचा है, स्ट्रक्चर है ये, देन द एवरेज स्पीड ऑफ वॉकिंग, इसका एवरेज स्पीड बताना है, तो डिस्टेंस तो हमें मालूम है, सिर्फ टाइम मालूम हो जाए कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा तो तुरंत बता देंगे। तो सुनिए सुनिए, 3 आवर्स में 32 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ए और सी का डिस्टेंस तय होता है, इसका मतलब यह है कि 96 किलोमीटर का डिस्टेंस है 32 इंटू 3, यानी कि 96 किलोमीटर का ये पूरा डिस्टेंस है, और 6 ये है तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, ये डिस्टेंस
क्या 96 माइनस 6 90 ना हुआ, और अगर ये 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाने में 90/60 यानी 1.5 आवर लगेगा कि नहीं, जल्दी बोलिए, 1.5 आवर। पूरी जर्नी 3 आवर्स की है तो 1.5 आवर यहां लगा, तो क्या यहां पर भी रेस्ट 1.5 आवर ना लगा। 1.5 आवर में 6 किलोमीटर जाते हैं, 3 आवर्स में 12 जाएंगे, तो स्पीड क्या हुआ 4 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहां बताता हूं ये स्पीड क्या हुआ, तो 4 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर, 4 किलोमीटर पर आवर, डी इज द आंसर, डी। देखिए ये समझ में आया है नहीं, ठीक है, इसको ठीक है, ये समझ गया, ये आईबी का आया हुआ क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ट, ये 5th नंबर हो गया। इसके बाद आ जाइए हम लोग बात करते हैं 6th नंबर क्वेश्चन की ओर। 6th नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए सुनिए। बाला ट्रेवल्स फर्स्ट 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 1/3 डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। What is the average speed of Bala? Average speed जैसे 2 parts equal distance वाले को तय करने में होता है, उसी तरह से 3 parts के लिए भी होता है। करना तो बहुत short में है, लेकिन मैं लिख देता हूं होता क्या है ताकि मैं short में कर सकूं। देखिए short में कर सकूं, ये 2 form है लिखने का। 3 के लिए यदि distances equal होना, डिस्टेंसेस इक्वल होना, ये x किलोमीटर, हाँ x किलोमीटर मत लिखिए, x हम लोग वहां मानेंगे, कुछ मान लीजिए दूसरा कुछ d किलोमीटर, स्मॉल d मान लीजिए अच्छा रहेगा, चलिए इसको हटा ही देते हैं, d किलोमीटर, ये x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, z किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो। तो जो एवरेज स्पीड होता है इसको हम लोग 2 तरह से लिखते हैं, एक लिखते हैं 3/1x + 1/y + 1/z, और इसको सॉल्व करते हैं जैसे, तो आता है 3xyz/xy + yz + zx। लेकिन 2 में जहां हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इधर वाला 3 में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्यों, तुरंत आंसर हो जाता है, कैसे अभी बताता हूं। 3 into कैसे हुआ, 10, 20 and 60, एलसीएम हुआ 60, और 10 6 जा 23 जा 61 जा, टोटल हुआ 10, 18 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। तो क्या हो गया आंसर, 18 किलोमीटर पर आवर, ए इज द आंसर, ए। ये कैसे हुआ क्या, वैसे ही हुआ, एवरेज स्पीड जैसे निकालते हैं वैसे ही हुआ। 3 यहां लिखे, 1/x लिखे, 1/10 लिखे, देखिए बताता हूं, थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं, जैसे एवरेज स्पीड हुआ तो क्या हुआ, 3 लिखे बाय 1/10 लिखे, 1/20 लिखे, 1/30 लिखे, इसी को पलट के ऐसे ना लिखे, 3 into 60 द एलसीएम, हाँ समझ में आया कि नहीं, सो जैसा कि यहां हुआ, समझ गए, बोलिए आपने एंजॉय किया कि नहीं। ये एवरेज चैप्टर जरूर है, लेकिन ये एवरेज स्पीड ज्यादातर है, इस तरह से एवरेज चैप्टर और टाइम एंड डिस्टेंस दोनों यहां आकर के मिलते हैं। तो हम लोग इसको दरअसल एक तरह से एवरेज स्पीड का एपिसोड बोलना चाहिए,
ये ज़्यादा अच्छा रहेगा. ओके, ऑल द बेस्ट.